फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें मैंने बताया था कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपके बेबी को, होने वाले बच्चे को पसंद नहीं होती हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बनाया था। और आज के वीडियो में हम बताएंगे ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके होने वाले बच्चे को पसंद आती हैं, तो उनका आप खूब इंजॉय कीजिए अगर आप अपने बच्चे को खुश रखना चाहती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले हम बता देते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आज की पार्टी वेयर साड़ी, जो कि फुल सीक्वेंस वर्क के साथ में टू शेडेड में आपको मिलती है। ये फुल सीक्वेंस वर्क के साथ में आपको मिलेगी, और पल्लू में भी इसको सीक्वेंस वर्क मिलेगा, और ब्लाउज़ भी इसमें जो मिलेगा वो सिल्क का मिलेगा, प्लेन 80 सेंटीमीटर्स का। और इसकी प्राइस की बात करें तो सिर्फ 999 है। तो अगर आप ये पार्टी वेयर साड़ी लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। तो इसमें इतने सारे कलर हैं, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो पूरा अटेंशन होता है उसके बेबी बंप पर ही होता है, और उसकी एक्टिविटी को देखना, महसूस करना, ये महिलाओं को काफ़ी अच्छा लगता है। और लगभग जब भी उसका जो अटेंशन है फुल टाइम ही लगभग प्रेगनेंसी पर ही होता है। तो ऐसे में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन सी बातें हैं जो आपके होने वाले बेबी को पसंद नहीं आएंगी, और आज हम बात कर रहे हैं जो पसंद आएंगी। क्योंकि तो माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो जन्म के पहले ही जुड़ चुका होता है, तो वो आपकी बॉडी पे है और वो आपकी आवाज़ सुनता है, आपका स्पर्श महसूस करता है, आप जो खाते पीते हैं, आप खुश होते हैं, उदास होते हैं, सभी से रिलेट करता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप कुछ मीठा खाते हैं, बच्चे को मीठे बहुत पसंद होते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा दूध भी पीते हैं तो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दो तो वो उसमें टेस्ट आता है, तो बच्चों को मीठा खाना पसंद होता है। तो जब भी आप कुछ खाती हैं तो वो आपका बेबी है उसका जो फ्लूइड होता है उसके थ्रू उसको वो टेस्ट पता चलता है, आप इसको टेस्ट कर सकती हैं। जब भी आप कुछ मीठा खाएंगी आप देखेंगी कि आपका जो बेबी बम्प है या बेबी है वो थोड़ा सा मूव करता है, इससे आप पता लगा सकती हैं कि उसको मीठा खाना पसंद है या नहीं है। दूसरी चीज़ होती है स्पर्श करना। जब आप अपने बेबी को बेबी बम्प पर हाथ फिराती हैं तो आप देखेंगे जो आपका बेबी बम्प है वो थोड़ा सा मूव करता है, क्योंकि बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो आवाज़ें सुनने लगता है, आपके स्पर्श को पहचानता है। तो जब भी आप अपने पेट पर हाथ फिराएंगी तो वो मूव करता है, ये उसे पसंद होता है, उसे माँ का हाथ का स्पर्श पसंद आता है, इसलिए वो मूव करता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका खुश रहना। जब आप खुश होती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं, तो ये भी बच्चे के लिए जो डोपामाइन हार्मोन्स है जिसे गुड फील्ड हार्मोन्स कहते हैं वो होता है, और बच्चा हैप्पी हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है आप कोई म्यूजिक सुनती हैं और वो काफ़ी मधुर हो तो वो भी बच्चे को पसंद आता है। इसके लिए आप कभी देखेंगी कि अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, अच्छा लाइट है और उसमें इंटरेस्ट आपको आ रहा है, तो आपको ये फील होगा कि आपका बच्चा भी उस चीज़ का आनंद ले रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट माँ की आवाज़ सुनना। तो 18वां वीक होता है, जो 18 वीक होता है उसमें बच्चे सुनने लगते हैं, और जब आप अपने बेबी बम्प पर हाथ फिराते हैं, उसे बात करते हैं, तो ये आपका बेबी सुन रहा होता है और इस पर वो प्रतिक्रिया भी देता है। तो इन सभी चीज़ों को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप इन सभी चीज़ों को टेस्ट करके देखें और बताइए कि किस किस के बेबी ने किक मारी है और मूवमेंट किया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें।